रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉर्ड, जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट को मैं यूनिफॉर्म और सरकारी गन के साथ देखता हूं, मैं डर जाता हूं। और यही डर आज हिंदुस्तान की जनता में, आवाम में तेजी से फैल रहा है। और चंदू जी, अगली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। कमांडर कावस नानावटी ने वर्दी और सरकारी गन को निजी संपत्ति बनाकर इस्तेमाल किया। प्रेम आहूजा से बदला लेने के लिए दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर उनका खून किया। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिक्वेस्ट्स दैट कमांडर कावस मानेकशॉ नानावटी बी हंग टू डेथ फॉर द कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर ऑफ प्रेम भगवान दास आहूजा। इट वॉज अ कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ रिवेंज। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अक्यूज़ कमांडर कावस नानावटी फॉर Having killed Prem Bhagwan Das Ahuja in an unfortunate incident caused by anger and provocation. Unfortunate incident, anger, provocation. Promise that puri puri statement badal di. He didn't just change my statement. He's changed the case. Commander Kavas Manekshaw Nanavati. सेक्शन 302 के तहत आप पर प्रेम भगवान दास आहूजा की हत्या का आरोप है। हाउ डू यू प्लीड कमांडर? सर, व्हाट डिड कावस से? इम्पेशेंट, सो इम्पेशेंट योर जनरेशन। गिल्टी या नॉट गिल्टी, ये तो केस रिपोर्ट में लिखा है, इंटरनेट पे भी लिखा है, सबने पढ़ा है। तुमने भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? या ऑफ कोर्स सर, कावस सेड दैट। पॉइंट इज नॉट व्हाट कावस सेड, the point is what happened before Kavas came to the court. So many players playing this game. Kavas was just a pawn. Kavas, मैं जानता हूं आप कौन हैं। Good. आप यहां क्या कर रहे हो? I'm here for the feast, जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। Tomorrow, after all, देश का हीरो घर लौटने वाला है। He deserves a good feast, doesn't he? मैं घर नहीं आ रहा हूं। Because you are guilty, तुमने खून किया। But you still need the feast because you got to feed the beast. Rubbish. Accept it, Kavas. तुम्हारे अंदर भी एक बीस्ट है। It took you 20 minutes to go to the naval base and pick up your own gun and then go to shoot your wife's lover. Why did you do that? Kyunki hum mard hain aur mard yahi karte hain. Jab koi hamari property hadap karne ki koshish karta to hum kya karte hain? We kill the bastard. Navy mein bhi to yahi sikhaya jata hai na. Go and kill the enemy who's trying to grab your land. And Prem trespassed your property. Sylvia isn't my property. वो मेरी बीवी है। And he slept with your wife. मैं तुम्हें समझता हूँ कावस, क्योंकि मेरे अंदर भी वही बीस्ट है। And I can promise, the beast is not guilty. Believe it. It'll save a lot of lives. There is a door. Please leave. एक बार सोचना कावस। You have a good day.
It's amazing, right? The beer? Yeah, that and the fact that we got along so well. But all good things come to an end. And so does my journey here. Well, you still have this evening left. And I want to make the most out of it. How so? By brushing up your Hindi. You think I need to learn a second language? I mean, because you like me. I do. Mr. Nanavati? It's Nanavati. सर मान गया वो होपफुली सर डू यू रियली केयर अबाउट हिम एंड हिज फैमिली आई मीन जेल तक पहुंच गया आप उसे कन्विंस करने के लिए द ओनली थिंग आई केयर अबाउट होमी इज द केस एंड ब्लिट्स ये केस आग की तरह है आई एम जस्ट पुटिंग द बटर डोंट फॉरगेट आई एम अ बिजनेसमैन इसमें सबका फायदा है हमारा फायदा है ब्लिट्स का फायदा है कावस का फायदा है उसकी फैमिली का फायदा है So are we going anywhere or we're not? Sorry, sir. काल जी गिरा तेरा केस कैसे चल रहा है अभी तो शुरू है पप्पा अब प्रॉब्लम केस नहीं है शीतल का तो कहना है कि मुझे ये केस लड़ना भी नहीं चाहिए वकील केस नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा बिल्कुल शादी के बाद भी तेरी हर बात में ऐसे ही टांग अड़ाया करेगी अरे बहुत राइट है पापा आपको तो पता होना चाहिए आप तो एक्सपीरियंस्ड हो नहीं पापा शादी के बाद ही ओनली पेंट दैट्स व्हाई आई एम मैरिंग हिम सुन लिए मिस्टर खंडाला वाला आपसे कोई मिलने आया है यहां यहां कौन है हां काल मिस्टर करांजिया आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ रूसी नोज एवरीथिंग दैट्स व्हाट दे से हाउ इज योर फादर डूइंग कम टू द पॉइंट मिस्टर करांजिया कावस बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है ही वॉन्ट्स टू प्लीड गिल्टी एंड आई वॉन्ट यू टू कन्विंस हिम नॉट टू प्लीड गिल्टी मिस्टर करांजिया मैं एक लॉयर हूं मीडिएटर हूं इफ ही प्लीज गिल्टी मैं कुछ नहीं कर सकता बट इफ ही प्लीज नॉन गिल्टी देन आई शो यू आई शैल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेंस द सेम हाउ डू वी ब्लेज द गन्स जस्ट मेक श्योर सिल्विया मीट्स कावस विद द किड्स Sylvia, I'm with you. I know who you are. Stay in the car. I've come here as Mimi's friend. जो एक टाइम पर तुम थी. I have to go. I just have one question for you. Is Kavas pleading guilty tomorrow? I have no idea. Well, you should, Sylvia. Mimi's life has ended because of you. How are you so indifferent? Or did you never love Prem? Don't you dare say that. If you really did love him, then convince your husband to plead guilty tomorrow. My kids are waiting. Of course. It's so easy for you to run away. Just think about Mimi once. मिले कावस से सुखी तो कावस से क्या बोलने वाले हैं कल कोर्ट में कावस को लेकर जिस बात पे प्राउड था आज उसी बात से मैं डर रहा हूं
तूने तो कावस नो नेचर खबर छ, एक बार जो थान लेता है वही करता है। तो आप लोगों ने ठीक से समझाया क्यों नहीं? एक आज निकलो छे मारो बस कर, उसके बॉस को तो समझाना चाहिए ना। हमें भी सुख करिए सुपन, मेरा समझ तो नहीं, अभी भी खुद को ही बस गिल्टी मान रहा है। आई एम सॉरी, हम उसको नहीं कन्विंस कर सके। प्लीज सर, रूसी साहब आए हैं। हेलो मानिक। हेलो रूसी। आई वांटेड टू टॉक टू सिल्विया। So did you meet Kavas? How's he doing? Why don't you tell me? You seem to know more about us than we do. I really wish I did. But all I know that he's on a suicide mission. And Sylvia, you're the only one who can convince Kavas not to plead guilty. What makes you believe that I would do something like that? Because this is your last chance to tell the truth. Truth is that Prem loved me. And I loved him. I really appreciate your conscience. But don't forget, Sylvia. This is not England. This is not your homeland. You will say this in the court, and you know what will they do? They'll rip off your English grace. They'll call you a whore. And trust me, they will. You'll say this, and you will stand alone in that witness box, naked. Mark my words. I completely get your situation. I understand your plight. But you have to realize you were nothing more than a fancy wine in Prem's bar. You created an illusion for yourself and ruined your family. This is your last chance to save the family. Tell them the truth. The truth which they want to hear. I believe you were leaving. Sure, I was. Sylvia. Yes? Prem ke letters. Bachche yahan wahan ghoomte. They shouldn't see them. Ma, I was. Mere beti ko ghar lekar aao. That's not in my hands. He has to decide. Kavas decision lega. You don't get it, do you? What? Koi bhi aadmi khud decision nahi leta. They think they take the decisions, but it is us who make the decision that they take. So you better convince my son. राज,
Akram! Just raise your hand and stand up on the bench. Go! Papa? Firoz? Hey, open the door. Firoz? Oh, Rita, come. How are you? Come. Yes, come here. How are you? Daddy? क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? यहाँ पियानो नहीं है? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ और यहाँ पियानो नहीं है. तब वो जिमी का? He's sleeping. Throws has a question for you. Hope you can answer him. Papa, did you hurt someone? Yes, beta. I did hurt someone. आप घर वापस कब आओगे? अंजनी, अंजनी। जी मैम साहब. मेरी नींद की गोलियां कहाँ हैं? मैम साहब, डॉक्टर ने कहा है रोज रोज नींद की गोली लेना ठीक नहीं. तो क्या करूं अंजनी, नींद नहीं आ रही है तो क्या करूं? जाओ. जी. मिस आहूजा, राम. गुड न्यूज है. मुझे अपने सोर्सेस से पता चला है कि कावस नानावटी इज गोइंग टू प्लीड गिल्टी टुमारो. जी. कमांडर कावस नानावटी, आपने दिन दहाड़े पूरे होशो हवास में एक निहत्ते इंसान पर गोली चलाई. अदालत को बताइएगा आपने प्रेम आहूजा को. ए चंदू, अरे बंद कर तेरा कॉल. तू दारू पी आणि झोपून जा. चंदू तो वेडा झालास रे. गप ना, झालो आहे वेडा, झालो आहे मी. कमांडर कावस नानावटी, क्या आपको अपना जुर्म कबूल है? अजुन इंदर. कमांडर कावस नानावटी, आपने दिन दहाड़े पूरे होश हवास में एक निहत्ते इंसान पर गोली चलाई. क्या हेलो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंदू त्रिवेदी स्पीकिंग. नमस्कार सर. हो का म्हणजे काय झालं? कोणाचा फोन होता? इतने खुश लग रहे हो, फिर से कोई बड़ा किस मिला? ए छोटू,
कल कावस मामा गिल्टी प्लीड करने वाला है। कल केस खत्म हो जाएगा और फिर हम सामने जाएंगे। अरे छोटू का जी के हाथ से वेलकम कराने का है। I'll just be back. Hey, where's your drink? Get her a drink, please. And get the punch out. Hello. दीवारों से इतना प्यार. Come on. Vidya, it's too noisy. अब मुझे घर जाना. Darling, this is heaven. There's alcohol here. So much alcohol. तुम डूब जाओगी. You know what? I could actually do with the drink today. क्यों? कल काबस guilty plead करने वाला है. So easily. No way. Guilty or not guilty, he doesn't decide. It's the others. The men. The navy, the media, the politics. Ah, of course, the Parsis. It's them. How well do you know them? Well enough to know that this case is going to be a folklore soon. I plead. I plead not guilty, sir. आपने चंदू त्रिवेदी से कहा था टू से दैट इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, लेकिन उसने कोर्ट में कहा दैट इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कॉज्ड बाय प्रोवोकेशन एंड एंगर। से समथिंग मिस्टर जेठमलानी। मिस आहूजा, ये केस, ये कोर्ट, ये लोग, ये सब करतब दिखा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? सर्कस है ये केस, इसकी टिकट लगानी चाहिए। कल से मैं इस केस पे नहीं हूं। आपने कहा था ही विल प्लीड गिल्टी। यू सेड कावस नानावती इज एन ऑनरेबल मैन। How could he change? Kavas Nanavati was an honorable man until he met his lawyers. You know what to do, SR. Yes, Mr. Khandalawala. Got it. Adultery. A fallen hero. Infatuated wife. Debauchery. Guys, we are going to pull the strings here. And the puppets are going to dance in the court. Come on, let's blitz it up. Yes, sir. Yes, sir. Do it. Get me a good headline. Sir, you, sir. No, SR, right now, no. Sir, it's very urgent. Guys, we have got the headline. Love or lust? Who was Prem Ahuja? Print it. And make the copies double. How do you, sir? Unko bolna, madam, do minute mein aa rahi hai. Rekha? Ji. Kisi ko aane mat dena. Ji, ma'am. Darling, itna chup chup ke? Imagine my love. Good girls don't smoke. अंग्रेज चले गए बट वी आर स्टिल प्रिजनर्स। अ गर्ल कांट इवन स्मोक इन पीस। कब मिलेगी फ्रीडम? किसे चाहिए? डैम्सल इन डिस्ट्रेस बनके थोड़ी सी डरी हुई, थोड़ी सी शर्माई हुई बिहेव करो, लाइफ इजी बन जाती है। यस्टरडे आई पिच्ड अ स्टोरी, नानावटी मर्डर ट्रायल, सिल्विया नानावटी की आंखों से। You know what my editor said?
Vidya, it's too scandalous. Let's not take sides. But that Kavas, he's handsome, huh? Handsome? Gee, gussa aata hai usse dekhkar. Tum hi dekho. Acha, tell me something. जब तुम सेट पर लेट आती हो तो डायरेक्टर को सॉरी बोलने की बजाय तुम वो शांति भूषण को क्यों सॉरी बोलती हो? क्योंकि वो हीरो है, मूवी है उसकी यार। तो तुम भी तो हीरोइन हो। हाँ, पर हीरो की बात अलग होती है। अच्छा, शांति भूषण साहब कुछ भी करें उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, चाहे वो लेट आए, चाहे वो अपनी लाइनें उल्टी सुल्टी बोले। Nobody says anything to him, but if you change even a single word in the script, then you are the troublemaker. यार तुम ना हर जगह ये झंडे मत उठाया करो। गॉसिप दो ना यार, क्रांति क्यों शुरू कर दी? मैम? मैम, शांति भूषण जी आपका वेट कर रहे हैं, शॉट रेडी है। हाँ, उन्हें कहिए मैं दो मिनट में आ रही हूँ। सॉरी। हाँ चलो, मैं आती हूँ। और तुम ना प्लीज रिलैक्स करो। डॉक्टर साहब, डिलीवरी कब? ठीक। त्रिवेदी जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? अरे कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है आपका, तीसरी बार बाप बनने जा रहे हैं आप। चंदू जी मुबारक हो। अरे अभी डिलीवरी नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम है, ऐसा बोल रहे तो आइए। नहीं, मैं मुबारकबाद आपको नई नौकरी के लिए दे रहा था। कहाँ लगी नौकरी? नानावटी के घर पे या काल खंडाला वाला के ऑफिस में? आप ऐसा क्यों बोल रहे? नहीं, क्योंकि कोर्ट में आपने भी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की जगह अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बोला ना, है ना? मानता हूं गलती हुई मुझसे, लेकिन आपको पूरी बात मालूम नहीं। पूरी बात मुझे जाननी नहीं, मैं बस यहाँ ये जानने आया हूँ कि सरकारी वकील को खरीदने का आजकल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। मिस्टर त्रिवेदी, मुबारक हो, बेटा हुआ आपके यहाँ। मुबारक हो। जाना है ना आपको? आप तो जानते हो मैं आपके मन की बात पढ़ लेता हूँ। मन में जो नाम सोचा है ना बेटे के लिए, वो मत रख, मैं एक मस्त नाम बताता हूं, धोखेबाज। सलाम सेठ। सलाम मास्टर जी। आपके लिए भी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों भाई? अरे मुफ्त है, रखिए। प्रेम की वासना, कौन होता प्रेम आहूजा? ओह माय गॉड, क्या ये देखा तुमने? ऑफ कोर्स देखा है, ये फिरंगी ऐसे ही होते हैं, लव किसी और के साथ और लस्ट किसी और के साथ। भैया टमाटर कैसे दिए? 3 पैसा किलो मैडम। 3 पैसा? टमाटर के दाम तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, अब ऐसा करिए आधा किलो कर दीजिए। कि गोरे चिट्टे लड़कों का ना कोई भरोसा नहीं है, प्यार की मीठी मीठी बातें करके लड़कियों को फंसाते हैं ये। हाँ, आप भी तो गोरे चिट्टे हैं, तो आपको भी भरोसा ना करूं? मैं अलग हूँ। They have declared Prem Ahuja to be the number one playboy of this country. उस कावस नानावती ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया और अब उसे बचाने के लिए दे आर स्टैबिंग माय ब्रदर्स डेड बॉडी। मिस आहूजा, मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन यहां पर मुझसे सिंपैथी के अलावा और कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मिस्टर जेठमलानी प्लीज, आज मैं घर से डिसाइड करके आई हूं कि चंद्र त्रिवेदी को इस केस से हटा के रखूंगी। नया पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है? आप बात को समझ नहीं रही हैं। यू आर अप अगेंस्ट सम वेरी पावरफुल पीपल। आपको क्या लगता है अगर वो चंद्र त्रिवेदी को खरीद सकते हैं तो और किसी वकील को नहीं खरीद सकते? कौन बोला मैं भीग गया? मैं भीग...
रामभाऊ, मैं बहुत छोटा वकील है, इतना छोटा कि अभी मेरा रेट कार्ड ही नहीं पड़ा। वैसे आपसे ही पता चला वकील के भी रेट कार्ड होते। मैडम ये मेरे लिए बहुत बड़ा केस है, लेकिन आपको पता है सरकार की तरफ से मेरे को क्या पगार मिलता होगा? मेरे से ज्यादा तो काल खंडाला वाला के ऑफिस की टाइपिस्ट का पगार होगा। मैं वर्किंग क्लास मराठी मीडियम, काल खंडाला वाला मेरे सामने खड़ा रहता तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई लॉर्ड माउंटबेटन खड़ा है। मेरे को फोन आता है रात को 2-2, 3-3 बजे। मिस्टर चंदू त्रिवेदी, वाईसी देशमुख। नमस्कार सर। आपको एक अंदर की खबर देनी थी, कल कमांडर नानावटी गिल्टी प्लीड करने वाला है। होगा, और कर भी क्या सकता है बेचारा, अभी गुस्से और प्रोवोकेशन में हो गया जो होना था। बस आप एक काम करो, कल कोर्ट में थोड़ा हल्का जाना। मुझे? देखो त्रिवेदी जी, अगर आप कोर्ट में सख्त हुए तो उसको फांसी हो सकती है, अगर हाथ हल्का रखा तो भी उम्र कैद पक्की है। मतलब आप तो केस जीत ही रहे हो, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। मैं समझ रहा है साहब। पन वन कुछ नहीं त्रिवेदी, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बूढ़े माँ बाप हैं, वो मरेगा तो सब मरेंगे। थोड़ा कोऑपरेट कर दो, तुम्हारे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। मेरी गलती इतना ही हुआ, मैंने मान लिया, अब मैं अपना गलती सुधारना चाहता हूँ। मेरे को एक चांस चाहिए। एक नहीं, हमें कोई बात नहीं सुननी, प्लीज लीव। लेकिन ये पूरा ठिकरा मेरे सर पर नहीं भूनेगा। रामभाऊ आप बोले थे वो गिल्टी प्लीड करेगा, पूरा शहर बोला था गिल्टी प्लीड करेगा, बोला अकेला मेरे को चुप बनाया। रामभाऊ मैंने मेरे बेटे का मस्त नाम रखा। अब तय मुझे करना था कि आगे की बाजी कैसे खेलनी है। ये केस अब एक सर्कस बन गया था और इसका रिंग मास्टर मैं था। केस अब एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया था कि हर विटनेस, हर शब्द, हर टेस्टिमनी केस का नक्शा बदल सकती थी। 27 अप्रैल को दोपहर में कमांडर नानावटी ने प्रीम आहूजा का मर्डर किया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ। तो ऐसा बोलिए, बुरा बोलिए, आगे बताइए। दरवाजे की घंटी बजी, हम दरवाजा खोले तो कमांडर साहब खड़े थे। हम कुछ पूछते उसके पहले ही कमांडर साहब घर के अंदर घुस गए, सीधा फिर भैया के कमरे में चले गए। जब वो घर में घुसे उनके हाथ में कोई हथियार था? एक भूरे रंग का लिफाफा था। क्या था लिफाफे में, तुम देख पाए? नहीं, किसी ने देखा नहीं था। बेडरूम से प्रेम आहूजा और कमांडर के बीच कुछ चीखने चिल्लाने की, कोई बहस की आवाज है? चीखने चिल्लाने की आवाज तो नहीं आई, सिर्फ 3 गोली चलने की आवाज आई थी। तो जब आपको गोलियां चलने की आवाज आई तो सबसे पहले आपने क्या किया? दौड़कर हम प्रेम भैया के कमरे में गए। मालिक! देखा तो कमांडर साहब हाथ में गन लिए खड़े थे और सामने खून के दरिये में हमारे प्रेम भैया की लाश पड़ी हुई थी। मैंने कमांडर साहब को रोकने की बहुत कोशिश की, मैंने कहा आप नहीं जा सकते। हट जा, जब तक पुलिस नहीं आ जाती मैं आपको नहीं जाने दूंगा। धीरे बोलना। क्षमा साहब, फिर कमांडर साहब ने कहा? मैं सरेंडर करने ही जा रहा हूँ। एक बार फिर से जो कमांडर साहब ने कहा वो बोल दो। हाँ साहब, कमांडर साहब ने कहा मैं अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करने ही जा रहा हूँ। याद रहेगा ना, कोर्ट में ऐसा ही बोलना। हाँ साहब, क्योंकि मैंने प्रेम को गोली मारी, क्योंकि प्रेम आहूजा का मेरी बीवी के साथ अवैध संबंध था। काल खंडाला वाला जी, आपको विटनेस से कुछ पूछना है? पूरन सिंह जी। हाँ साहब। ये जो अभी आपने कहा इसको दोबारा से कहेंगे जरा? हाँ बिल्कुल साहब, कमांडर साहब को रोकने की बहुत कोशिश की,
कमांडर साहब ने कहा मैं अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रेम को गोली मारी, क्योंकि प्रेम आहूजा का मेरी बीवी के साथ अवैध संबंध था। प्रेम आहूजा का उनकी बीवी के साथ अवैध संबंध था, ऐसा कमांडर ने आपसे कहा? हाँ। पूरन सिंह जी, जो लास्ट लाइन जो भी आपने बोली है ये तो आपके दी गई पुलिस स्टेटमेंट में है ही नहीं, और कमांडर ने तो बोला है कि मैं खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहा हूँ, और उसके ठीक नीचे आपके सिग्नेचर है। तो फिर ये प्रेम आहूजा का मेरी बीवी के साथ अवैध संबंध, ये कहाँ से आया? चंदू जी, ये आपका आइडिया था या फिर आपके हैंडलर का? ऑब्जेक्शन सस्टेन। मेरा कोई हैंडलर नहीं है काल साहब, माय वन मैन आर्मी। कोई पॉइंट है तो बोलो। दैट विल बी ऑल योर ऑनर। नेक्स्ट विटनेस को बुलाइए। प्रोसिक्यूशन प्रोवोस्ट मार्शल सैमुअल जी को बुलाना चाहती है। प्रोवोस्ट जी, उस दोपहर प्रेम आहूजा का खून करने के बाद कमांडर नानावटी आपसे मिलने आए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। ये खून करने के बाद क्या होता है? खून हुआ है या नहीं हुआ यही डिसाइड करने कोर्ट में आए हैं? तो जूरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। त्रिवेदी जी, प्लीज रिफ्रेज दिस क्वेश्चन। कर तो रिफ्रेज। उस दोपहर प्रेम आहूजा का डॉट 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 करने के बाद ऑर्डर 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 कमांडर नानावटी आपसे मिलने आए थे? यस। आपसे उन्होंने क्या कहा? कमांडर नानावटी जब मुझसे मिलने आए तो बहुत टेंस थे। ही टोल्ड मी आई थिंक आई हैव शॉट अ मैन। पुलिस स्टेशन जाकर अपना कन्फेशन देना चाहते थे, तो मैंने उन्हें क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाकर ऑफिसर लोबो से मिलने को कहा। जाने से पहले उन्होंने अपनी घर की चाबियां मुझे दी एंड आस्क्ड मी टू गिव देम टू हिज वाइफ सिल्विया। तो उन्होंने आपसे ऐसा कहा कि उन्होंने प्रेम आहूजा का खून किया था, बरोबर? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने प्रेम आहूजा का खून किया था। अभी तो आपने बोला। मार्शल, फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्ट एंड द जूरी, क्या आप एक बार फिर से बताएंगे कि जब कमांडर नानावती आपके पास आए तो उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? व्हाट डिड ही एग्जैक्टली टेल यू? He was a bit dazed and shocked. उन्होंने कहा, I think I have shot a man. I think I have shot a man. Dazed or shocked, Your Honor. Please note किया जाए। जब आदमी intentionally किसी का murder करता है, तो वो shocked नहीं होता, बल्कि calm होता है। Shocked आदमी तब होता है, जब उससे कभी कोई गलती हो जाए। My Lord. पुलिस स्टेटमेंट में सैमुअल जी ने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि कमांडर नानावटी शॉक्ड थे। क्योंकि उस वक्त मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि कमांडर नानावटी की मेंटल स्टेट क्या थी। एग्जैक्टली। मार्शल, आपका रिएक्शन क्या था जब कमांडर आपके पास आया एंड ही सेड आई थिंक आई हैव शॉट अ मैन? I was shocked. My Lord, कुछ देर पहले कमांडर नानावटी शॉक्ड थे, अब ये शॉक्ड है। मेमराना जूरी, कोई भी शॉक्ड नहीं था। सच तो है, सबको सत्य पता था। त्रिवेदी जी, जूरी से बात करने का मौका आपको बाद में मिलेगा, अभी हम हैं, हमसे बात कीजिए। हाँ? Sorry My Lord, क्या हुआ है? ये सब सुनकर मैं भी शॉक्ड हो गया और मैं एकदम से जूरी से बात करने लग गया। सच बात तो यह है कि कोर्ट में शब्दों का खेल चल रहा है। वो काल साहब, आप क्या कहेंगे इसको? वर्ड प्ले। वर्ड प्ले। योर ऑनर, दिस इज अ हाईली सेंसिटिव केस। यू, वी, मेंबर्स ऑफ द जूरी एंड एवरीबॉडी हियर इन दिस कोर्ट मस्ट बी श्योर ऑफ एवरी सिंगल वर्ड बिफोर इट पासिस द जजमेंट। एवरी वर्ड मैटर्स। काल खंडाला वाला ने हर शब्द इंपॉर्टेंट है ये बोलकर फुल टॉस बॉल डाला है। अभी तुमको ऐसा शॉट मारना है कि बॉल सीधा
बाउंड्री के बाहर जाए। रामबो, वकील का भाषा में थोड़ा बोलो ना। हमारा अगला विटनेस ऑफिसर जॉन लोगो, जिसके पास आकर कावस नानावटी ने कन्फेशन किया था। ओके, टाइम फॉर आइसक्रीम, कम ऑन। मारिया, अलेक्स इट, आई विल जस्ट जॉइन। ओके, सिट यू। मार्शल सैमुअल, बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। यस, फर्स्ट टाइम देखा आपको इस चैपल में। आप ही से मिलने आया। समझ गया था मैं। मिस्टर ग्रोमिको, आई ऑलवेज चूज दिस प्लेस टू होस्ट माय गैदरिंग्स बिकॉज इट्स एन एग्जांपल ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। Kattari, sir, do meet our third admiral, Admiral Ramdas Kattari, the Honorable Foreign Minister of Soviet Union, Mr. Andrei Gromyko. Здравствуйте. Oh, you speak Russian? A little. Hello. Yes. We have one more thing in common. Which is? I read in Times, naval officer killing civilian, the wife's affair. I must say, your soldiers are hot-blooded like ours. But ours don't go to jail. Sorry. None of my business. I will get vodka. That's for Danya. It's becoming international gossip. Any update on the case? That's your update. Comrade Menon. Ah, Rusi, so good to see you. How are you? I'm very well, thank you. Drink? Nahin, thank you. Actually, I've got mine. Kya hai, Delhi ka mausam itna achha hai ki ruka hi nahi gaya. Excuse me. Thank you. Cycles aap gaate rahe aur hum peete rahe. Thankfully, it wasn't the other way around. I know. God is really merciful. Cheers. Bombay ka mausam kaisa hai? Well, barish hone wali hai. And I'm pretty sure इस बार बारिश में सारे दाग सारे धब्बे धुल जाएंगे। बॉम्बे विल बी एज क्लीन एज द नेवल यूनिफॉर्म। कटारी टेल्स मी दैट मार्शल सैमुअल हैज ऑलरेडी बीन इन द डॉक, सो हू इज नेक्स्ट? इट्स ऑफिसर लोगो, जॉन लोगो। द वेदर इज वेरी गुड टुडे, राइट? नॉट गुड एनफ। क्या हुआ, आज मूड खराब है तुम्हारा? आज मुझे लोगो से जाके प्लीड करना पड़ा। Please, for the sake of the uniform, don't testify. I felt so small. एक औरत की गलती, उसका अफेयर और भुगत कौन रहा? कावस। कल कोर्ट में लोबो कावस को छोड़ेगा नहीं। He'll tear him apart. Good morning, Marshal. क्या कहा ऑफिसर लोबो? I tried my best. नहीं माना। मार्शल, आप एक ऑफिसर को नहीं मना पाए। अब ये भी काम मैं ही करूं। ऑफिसर लोगो, 27 अप्रैल 1959 की दोपहर कमांडर कावस नानावटी क्राइम ब्रांच में आकर आपको कन्फेशन दिए। क्या कहा था, किन शब्दों में, वो एग्जैक्टली अभी आप कोर्ट में बता दो। 27 अप्रैल 1959 दोपहर। यस, दोपहर, आफ्टरनून 3 PM कमांडर नानावटी क्राइम ब्रांच ऑफिस आया और बोला कि आई हैव ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं प्लीज अप्रोच द बेंच। थैंक यू। तुम भी पढ़िए। नहीं नहीं सर, द डिफेंस रिक्वेस्ट्स दैट ऑफिसर जॉन लोबो का बयान एविडेंस के तौर पर इस केस में ना प्रूफ किया जाए। मुझे सबूत है तो पेश करना चाहिए ना माय लॉर्ड, ऐसे कैसे नहीं करना चाहिए? जज आप है कि ये है, मतलब ये मर्डर का केस चल रहा है कि गली का कोई क्रिकेट मैच चल रहा है? रूल्स कोई नया नया रूल लेके आ रहा है? मेरी जी, नए रूल, पुराने रूल, ये रूल वो रूल करने के लिए मैं बैठा हूँ इधर? मुझे डिसाइड करने दो। काल साहब,
आपको उनके बयान से क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरे क्लाइंट का कन्फेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन के बिना लिया गया था। इट्स नॉट एडमिसिबल सर। मुझे पता है कि पुलिस को दिया हुआ बयान एडमिसिबल नहीं है। मैं भी उसको एक एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड करने वाला नहीं हूँ, तो फिर बोलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? सर, आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, त्रिवेदी जी को भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जूरी को फर्क पड़ता है सर। इस कोर्ट में कही गई हर वो बात उन्हें इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती है। एंड ऑल माई एविडेंस इन प्रूविंग माई क्लाइंट्स इनोसेंस इट्स गोना बी व्यूड विद अ टिंटेड पॉइंट ऑफ व्यू सर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मैं समझे नहीं, माय लॉर्ड, कन्फेशन में जो सच कहा है, मेरा कहना है वो बस लोगों के सामने, जूरी के सामने आ जाए। नहीं, नहीं, नहीं। काल साहब की बात करेक्ट है कि क्लाइंट ने नॉन गिल्टी प्लीड किया है, तो एविडेंस तो एडमिसिबल नहीं है। अगर आपके पास इसके अगेंस्ट कोई लीगल आर्ग्यूमेंट हो तो आप बात कीजिए। हाँ, वरना आप जाके अपने हैंडलर से बात कर लीजिए। मेरा कोई हैंडलर नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मंजूर है। कमांडर नानावटी के नॉन गिल्टी प्लीड करने के बाद ऑफिसर जॉन लोबो को दिए गए उनके इकबालिया बयान की कानूनन कोई अहमियत नहीं है, इसलिए अदालत ऑफिसर जॉन लोबो को यह आदेश देती है कि वे अपना बयान लिखित में दे दे, जो बाद में हम लोग जूरी को सौंप देंगे। आओ 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 आओ। हाथ जोड़ने उभरे जा। हाँ, अब सीधो फर जा। सफेद कबूतर आया या काला कौवा? काला कौवा आया सर। अब शकुन। नमस्ते जज साहब। क्या है ये? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर, मुझे आपके खिलाफ बार काउंसिल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज कोर्ट में जो हुआ वो ठीक नहीं था। आप जानते हैं कि लोबो का जूरी के सामने स्टेटमेंट देना कितना जरूरी था, उसके बावजूद आपने मेरे सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस को कोर्ट में बोलने नहीं दिया। आई थिंक यू वर बीइंग बायस्ड, और आप जैसे काबिल और ईमानदार जज से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। या मेरे पास बच्चों की तरह रोते हुए आने से अच्छा ये होता कि आप काल खंडाला वाला के स्मार्टफोन से कुछ सीखते। पिछले 30 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि कोई जज आरबी मेहता को बायस कहे। शायद पिछले 30 सालों में आपको आपकी गलती बताने वाला वकील मिला नहीं। I'll see you in courts. So what does the passy do? He goes from right to left to right to left. Mr. Jethmalani, what an absolute pleasure to meet you. What are you doing here? I'm doing a story. A blitz, actually, next week, ek naya article leke aa raha hai on the great wives of young emerging lawyers. You know, behind every successful man, there is a woman. And you don't have one, you've got two. Mind your language. This was supposed to be a compliment. I'm sorry if you didn't like it. Bhabhi, ek chai munche. Thank you. Thank you. Biscuit, any kind will do. You've got lovely vibes. Stop beating around the bush. Why are you here? I have a question. Make it quick. Ram, why are you in this case? A man was shot in broad daylight. He deserves justice. Ah, justice, right, right. But according to my information, Mamie Ahuja is the one who wants justice. Come on, Ram. You really don't think we are dumb. Chandu knows it. Karl knows it. Devi knows it. I know it. You're not in this case for justice. चाय रहने दो, रूसी जी जा रहे हैं। You know, Ram, what does the Parsis think about you?
No, they really respect you. Really. And they wish, Kash Ram Jethmalani Parsi hota. Come to think of it. अगर ये केस काल खंडाला वाला की जगह राम जेठमलानी लड़ रहा होता तो what would have happened? आप जाकर पारसी कम्युनिटी वालों को बोल दीजिए कि राम जेठमलानी का भी रेट कार्ड नहीं बना है। I'm not offering you money. All we want is a little cooperation. बाकी का काम तो ब्लिट्स की स्टोरीज कर ही देंगे। You can go and print as many stories as you want. But your nanny is going to the gallows. And this will be the biggest story of this case. You may leave now. Of course I will. But before I go, Ram, I think I should tell you a small story. So, may I? You know Jinnah? Muhammad Ali Jinnah, of course you know him. वो तो आपके पाकिस्तान से है. So what does Jinnah want? He wanted a separate country. So he coins the story. Muslims in India are in danger. But it doesn't work. Jinnah keeps losing elections year after year. But he was a smart man. And what does a smart man do when the story doesn't sell? He changes the story. So from Muslims in danger, the story was changed to Islam in danger. And Jinnah gets what he wants. In 1 year's time, Pakistan was formed. And incidentally, I have also changed the story. From Kawas in danger to Parsis in danger. And we will get what we want. Because Mr. Ram Bulchand Jethmalani from Karachi, don't forget, I'm the storyteller and the smartest one. Remember that. And by the way, you do have lovely wives. Enjoy the tea. आज ये केस केस नहीं रहा, इट्स अ वॉर। दत्तू भाई खाने में क्या है? दत्तू भाई किधर गए? वो जरा बाहर गए। अच्छा अच्छा, अरे मुझे तो ये बॉम्बिल और रावस दोनों मच्छी का खुशबू आता है। आपको एकदम बरोबर वास आया, कल रात का मच्छी वापस गर्म हो रहा है। भाड़े में थोड़ा 5 रुपए कम है, अगले महीने दे देगी। कहीं नहीं दिख रहा, इट्स ऑल राइट, चलो रिसीट दे दो। बंडिया संभालो तो बाल्टी क्यों जा, बोरी में खाली करूँ ये। आले आले साहूज। दोरा भाई बर झालं तुम्ही आलत हो। हे बघा, वो छत से पानी टपक रहा है। पिछला साल भी आपको बोला था, एक हाथ मारेंगे ना डांबर का तो ये पाउच का पानी नहीं आएगा। मैं अभी का अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ये है, ये 100 रुपया आपका पगड़ी। अभी का अभी घर छोड़ के निकल जाओ। दोरा भाई काय साला, भाड़ा तो टाइम पर देते ना हम लोग आपको। भाड़ा तो टाइम पे आता है, लेकिन तुम लोग का टाइम खराब है। दोपहर तक मुझे ये कमरा खाली चाहिए। ओके दोरा भाई ऐसे कैसे घर छोड़ के चली जाऊं मैं? बाबा जी सुनो मेरी बात तो सुनो आप। देखो अरे इतने छोटे बच्चे को लेके किधर भटकेंगे? किधर भटकेंगे, ये सिंधी लोग के घर में जाके रहेंगे, समझे? और चलो जल्दी जाओ और सामान तुम लोग लपेटो, समझा क्या? मैं नहीं जाएगी किधर, आप उनसे बात करो। मेरे साथ ऐसे बात नहीं करने का जोरों शोर में। वरना क्या, बंदूक उठा के 3 गोली मार दोगे? अब
है कब बंद होगा? क्या? This chaos. They're calling your name. चले सो, कोई और मेरा नाम ले रहा है. तुम्हें क्या लगता है, तुम ये केस जीत पाओगे? नहीं, मैं नहीं, दिल्ली जीतेगी, पारसी कम्युनिटी जीतेगा, नेवी जीतेगा और कावस. Can somebody tell them it's कावस and not कावस? What is it? कावस. अरे साहब और इशू. तीन मावा के एक और मस्का खाली पैक करी ने लावनी. कितनी बार लागे तने? अब फ्रेश और यहाँ मावा. अब फ्रेश चिकन. मावा जी चार कड़क पाव खारी. अरे कड़क पाव और खारी खत्म जाओ. हेलो मैम. यस व्हाट कैन आई डू जी? आ तो कड़क पाव छे ने बोला ना. नहीं है मगर तो दही नहीं कर. चल निकल. माई गॉड तबस्सुम, यू रीडिंग दिस बुलशिट और मुझे एक आर्टिकल पब्लिश करने को नहीं मिलता. हाई विद्या, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग. सॉरी, इट्स जस्ट दैट आई हेट दिस न्यूज पेपर. पारसी इज इन डेंजर, माई फुट, विमेन इन डेंजर, ये होनी चाहिए थी हेडलाइंस. तुम ना बड़ी नेगेटिव हो. अच्छा ठीक है, फिर तू ही बता एक पॉजिटिव चीज. एक गॉसिप, तू शांति भूषण जी के साथ फ्लर्ट कर रही हो. दो तीन फिल्मों के लिए यू आर फ्लर्टिंग विद अ मैन हु प्रोबेबली पीस इन हिज पैंट्स. अरे मेरी क्रांतिकारी औरत, तू तेरा ये मैन वर्सेस वुमन ना प्लीज स्टार्ट मत कर. रिलैक्स कर, सिट हियर, मैं दो मिनट में शॉट देके आती हूँ. ओके The Art of War by Sun Tzu. It's a good read. इस किताब ने माओ, फिडेल और स्टालिन जैसे लीडर्स को आर्ट ऑफ वॉरफेयर सिखाया. द मंत्र ऑफ विक्ट्री. तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आर्ट ऑफ डिफेंस पढ़ना चाहिए? यू नो कावस, तुम्हारा यहाँ अंदर रहने का एक फायदा जरूर. यू हैव नो आइडिया इस सेल के बाहर इस शहर में क्या हो रहा है. I've read this book. Well, then my client is already prepped. लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, या फिर मैं ये कहूँ कि इस केस की सबसे इम्पोर्टेंट कहानी बताने के लिए तैयार हो. देखो कावस, तुमने नॉट गिल्टी प्लीट किया है तो फैक्ट्स तुम बता नहीं सकते. बाहर पूरा शहर पारसी और सिंधी समाज के झगड़े की आग में जल रहा है. ट्रस्ट मी, वी नीड अ स्टोरी. सवाल सिर्फ प्रेम आहूजा का नहीं है, ये लोग हर सिंधी को निशाना बना रहे हैं. प्रेम आहूजा का मर्डर केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन कोर्ट से बाहर एक अलग ही खेल चल रहा है. इसलिए मैंने भाई प्रताप और आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है. राम भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं. पारसियों से सहन नहीं हो रहा है कि हम सिंधी लोग इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे चले गए. ये खुद तो ईरान से भाग के हिंदुस्तान आए थे और हम लोगों को कराची वाला बोलते हैं. स्मगलर स्मगलर बुलाते हैं हमें, फोन खोल जाता है. इस बार हम दब गए नहीं तो इनकी जूती के नीचे रहना पड़ेगा जिंदगी भर. जी आप तो बस आवाज कीजिए, इनकी हर दुकान, डेयरी, होटल के सामने एक एक होटल खोलूंगा और अगले एक साल तक आधे पैसे में धंधा करूंगा. इनकी दुकानों में ताले ना लगवा दिए तो अशोक सिद्धवानी मेरा नाम नहीं. ताला तो मेरे घर पे लग गया. राम
पारसी सिंधी के झगड़े में मेरी फैमिली सड़क पर आ गई। जनरली आई डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, बट उस दिन चंदू को देखकर मुझे, सही कह रहा था वो, हंस गया था। बट यू नो व्हाट अ लायन डज व्हेन ही इज कॉर्नर्ड, ही रोर्स, एंड दैट्स व्हाट चंदू डिड, ही रोर्ड।